हेलो स्टूडेंट्स, रियल आंसर्स के फोर्थ यूनिट के सिक्स्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है वो काउंटेबल सेट होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें पिछले थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। पिछले वाले थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। ठीक है, मतलब अगर आप मान लीजिए आपके पास ऐसे कई सारे काउंटेबल सेट हैं, S1, S2, S3, डॉट डॉट डॉट, SN, डॉट डॉट डॉट, ये सब के सब क्या हैं? अगर काउंटेबल हैं, अगर ये सब के सब काउंटेबल हैं, तो अगर आप इनका यूनियन कर देंगे, मतलब इन्फिनिट यूनियन या कहें काउंटेबल यूनियन इन सारे सेट्स का, तो ये भी काउंटेबल होता है। ठीक है, यही चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रूफ की थी। प्रूफ थोड़ा सा टफ था, ज़्यादातर बच्चों को नहीं है समझ में आया होगा। जो काफ़ी अच्छे होंगे मैथ में उन्हीं को समझ में आया होगा, जो हर एक प्रूफ देख रहे होंगे उन्हीं को समझ में आया होगा। तो अगर ये सारे सेट काउंटेबल हैं, तो इनका अगर आप काउंटेबल यूनियन कर दें तो भी काउंटेबल ही होता है। ये काउंटेबल यूनियन है काउंटेबल सेट का, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। ठीक है, इसी थ्योरम की मदद से हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो क्यू होता है वो एक काउंटेबल सेट होता है। अब समझिएगा, आप जनरली ये भी तो कर सकते थे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से क्यू के बीच में एक बाइजेक्टिव मैप खोज लें, तो भी तो क्यू जो है वो काउंटेबल हो जाता। लेकिन इस तरह का मैप खोजना आसान काम नहीं होता है। आप इतनी आसानी से सेट ऑफ नेचुरल और सेट ऑफ रैशनल नंबर के बीच में एक बाइजेक्टिव मैप नहीं खोज देंगे, ये कठिन काम है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में पता होगा। मैं एक सेट A1 बना रहा हूँ जिसके अंदर एलिमेंट्स मैं रख रहा हूँ 1 बाई 1, 2 बाई 1, 3 बाई 1, डॉट डॉट डॉट। मैं एक सेट A2 बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं एलिमेंट रख रहा हूँ 1 बाई 2, 2 बाई 2, 3 बाई 2, डॉट डॉट डॉट। उसी तरह मैं एक सेट बनाऊँगा AN जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 1 बाई एन, 2 बाई एन, 3 बाई एन, डॉट डॉट डॉट। उसी तरह और भी आगे सेट्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, आप नोटिस करिए A1 जो है वो एक काउंटेबल सेट है। A1 मैंने बनाया कैसे है? ये जो नीचे से 1 दिख रहा है, इन सब के नीचे 1 लिख दिया और सारे ऊपर 1, 2, 3 इस तरह चलते जा रहे हैं। मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये A1 जो है काउंटेबल है, A1 इज़ काउंटेबल। ठीक है, वैसे मुझे प्रूफ तो नहीं करना चाहिए A1 काउंटेबल है, क्योंकि बहुत ईजी है। मैं F फ्रॉम N टू A1 एक मैप खोज लूँगा। मैं N और A1 के बीच में एक बाइजेक्टिव मैप खोज लूँगा, देखिएगा कैसे। मैं लिखूँगा f of k बराबर k/1। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो k/1 पे मैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैप है वो नेचुरल नंबर को A1 पे भेज देगा और ये जो मैप है वो बाइजेक्टिव होगा, इसलिए ये जो सेट है वो काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप चाहें तो ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी काउंटेबल है। कैसे? कुछ नहीं करना है आपको, बस इस 1 की जगह 2 कर देना है, इस 1 की जगह आपको 2 कर देना है, तो ये जो n है वो A2 में चला जाएगा और ये जो मैप है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर को यहाँ पे मैप करा देगा और ये मैप बाइजेक्टिव भी होगा, आप फील कर सकते हैं। तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा, देयरफॉर है ना, तो ये भी काउंटेबल हो जाएगा, A2 इज़ काउंटेबल। ठीक है, A2 इज़ काउंटेबल। सिमिलरली आप किसी को भी काउंटेबल प्रूफ कर सकते हैं, AN को भी काउंटेबल प्रूफ कर सकते हैं, AN इज़ काउंटेबल। मैप क्या लेंगे प्रूफ करने के लिए? F एक मैप है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से AN पे जा रहा है, वेयर इज F ऑफ K बराबर K/N, काम ख़त्म। ये जो मैप होगा वो N के सारे एलिमेंट को यहाँ पे मैप करा देगा, यानी AN में मैप करा देगा, बाइजेक्टिव भी होगा, इसलिए ये जो सेट है वो काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेट ऑफ रैशनल नंबर में पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर भी होते हैं, है ना। तो अगर मैं इन सभी सेट्स का इन यूनियन कर लूँ, इन्फिनिट यूनियन ऑब्वियस बात है, तो मैं एक सेट S1 बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं इन्फिनिट यूनियन ले रहा हूँ AN का। मतलब मैंने क्या किया, इन सारे काउंटेबल सेट का काउंटेबल यूनियन कर दिया है। ये काउंटेबल था ना, ये सारे के सारे क्या है, काउंटेबल ही तो है, ये काउंटेबल है, काउंटेबल यूनियन है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इस काउंटेबल, यानी S1 भी काउंटेबल होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज S1 इज़ काउंटेबल।
वाई इट इज़ काउंटेबल, क्यों काउंटेबल है, बिकॉज काउंटेबल यूनियन, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, ठीक है। ये जो पोर्शन है वो काउंटेबल यूनियन दिखा रहा है, ये जो सेट है वो काउंटेबल है, क्योंकि मैंने अभी प्रूफ किया कि ये सारे के सारे सेट्स क्या हैं, काउंटेबल हैं। तो ए एन काउंटेबल है, काउंटेबल यूनियन है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल, मतलब ये पूरा का पूरा सेट काउंटेबल होगा, या फिर कहें एस वन काउंटेबल होगा। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया एस वन काउंटेबल है। अब मज़े की बात ये है ना, ये जो एस वन होगा, ये जो एस वन होगा वो सारे के सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर अपने अंदर रखेगा, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, एस वन विल कंटेन ऑल पॉजिटिव रैशनल्स, ठीक है। जैसे सेट ऑफ रैशनल नंबर के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव रैशनल्स होते हैं, पॉजिटिव रैशनल्स, एक होते हैं नेगेटिव रैशनल्स, और एक होता है ज़ीरो, एक होता है ज़ीरो। तो पॉजिटिव रैशनल जो है वो एस वन के बराबर है, ये एस वन है, ठीक है। अब देखिएगा मैं नेगेटिव रैशनल को कैसे लूँगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, कंस्ट्रक्शन बहुत ख़तरनाक होता है, इसलिए मैथ मज़ेदार होता है। देखिएगा अब मैं एक बी वन सेट बनाऊँगा, बी वन में क्या रखूँगा, माइनस वन बाई वन, माइनस टू बाई वन, माइनस थ्री बाई वन, डॉट डॉट डॉट। बी टू में क्या रखूँगा मैं, देखिएगा माइनस वन बाई टू, माइनस टू बाई टू, माइनस थ्री बाई टू, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसी तरह मैं एक बी एन बना लूँगा, बी एन बना लूँगा, जो कि होगा माइनस वन बाई एन, माइनस टू बाई एन, माइनस थ्री बाई एन, डॉट डॉट डॉट। आप फील कर सकते हैं ये काउंटेबल है, ठीक है, ये भी काउंटेबल है, मैपिंग आप खोज सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल प्रूफ करने के लिए, ये भी काउंटेबल है, सब के सब काउंटेबल होंगे, डॉट डॉट डॉट। कैसे काउंटेबल होंगे, देखिएगा ये जो ए वन है ना, ए वन के अगर आगे माइनस लगा दें, ए वन के अगर हर एक एलिमेंट के आगे माइनस लगा दें, तो एक्चुअली में वो बी वन बन जाएगा। तो अगर ए वन काउंटेबल था तो ये भी काउंटेबल होगा, जस्ट माइनस का ही तो डिफरेंस है, ठीक है। और या फिर आप चाहें तो मैप भी खोज सकते हैं, बहुत ईजी है वो मैप खोजना। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं एक सेट एस टू बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं इन सारे काउंटेबल सेट का यूनियन करूँगा, ठीक है, बी एन। मैंने क्या किया है, काउंटेबल यूनियन किया है काउंटेबल सेट का, ये सभी के सभी सेट्स क्या हैं, काउंटेबल हैं, तो ये पार्ट काउंटेबल है और ये पार्ट काउंटेबल यूनियन है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एस टू इज़ काउंटेबल, एस टू जो होगा वो एक काउंटेबल सेट होगा, क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज बिकॉज काउंटेबल, बिकॉज काउंटेबल यूनियन ऑफ, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है। अब देखिएगा एस वन के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव रैशनल्स आ रहे थे, तो एस टू के अंदर सारे के सारे नेगेटिव रैशनल्स आ जाएंगे, है ना। मैं लिखूँगा एस टू विल कंटेन ऑल नेगेटिव रैशनल्स, ऑल नेगेटिव रैशनल्स। अब देखिएगा बहुत ख़तरनाक बात, मैं क्यू को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, एस वन यूनियन एस टू यूनियन सिंगलटन ज़ीरो। देखिए क्यू जो एक सेट होता है जिसके अंदर नेगेटिव रैशनल होते हैं, पॉजिटिव रैशनल होते हैं और ज़ीरो होता है, तो एस वन के अंदर पॉजिटिव रैशनल्स हैं, एस टू के अंदर नेगेटिव रैशनल्स हैं, और फिर मैंने यूनियन कर दिया ज़ीरो का, तो अगर तीनों का यूनियन करेंगे तो वो क्यू के ही तो इक्वल आएगा, और एस वन जो था वो काउंटेबल था, मैंने प्रूफ किया है, एस टू था वो भी काउंटेबल था, और ज़ीरो भी काउंटेबल, एक ही एलिमेंट है तो काउंटेबल तो होगा ही, है ना। तो तीन काउंटेबल सेट का अगर आप यूनियन करेंगे तो भी तो काउंटेबल ही होगा, तो दिस इम्प्लाइज क्यू इज़ काउंटेबल, ख़त्म। कितना मज़ेदार कंस्ट्रक्शन था देखिएगा, है ना। मैंने एस वन बनाया जिसके अंदर पॉजिटिव रैशनल्स थे, एस टू बनाया जिसके अंदर नेगेटिव रैशनल थे, मैंने प्रूव किया कि एस वन काउंटेबल है, एस टू भी काउंटेबल है बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम, और ये तो काउंटेबल था ही, ऑब्वियस सी बात है। तो तीनों काउंटेबल सेट का अगर आप यूनियन कर देंगे तो वो भी काउंटेबल ही होगा, है ना। वो कैसे आप पहुंच सकते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया है, दो काउंटेबल सेट का अगर आप यूनियन करते हैं तो काउंटेबल होता है, काउंटेबल काउंटेबल यूनियन करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेट काउंटेबल हो जाएगा।
और काउंटेबल सेट और फाइनाइट सेट का अगर आप काउंटेबल यूनियन करते हैं तो भी काउंटेबल होता है, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, या आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि तीन काउंटेबल सेट का अगर आप यूनियन करेंगे तो वो भी काउंटेबल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि क्यू जो है वो एक काउंटेबल सेट है, और अगर क्यू काउंटेबल है तो कार्डिनलिटी क्यू की क्या हो जाएगी, एल एफ नॉट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा यहीं पे क्वेश्चन अराइज होगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, वॉट अबाउट पावर सेट ऑफ रैशनल नंबर। हम लोगों ने पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखा था, वो अनकाउंटेबल होता है। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, बहुत इजी प्रूफ था। पावर सेट ऑफ इंटीजर भी जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, ये भी हम लोगों ने प्रूफ किया था। ठीक है, और अब देखते हैं इसके बारे में, पावर सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो बहुत ईजी है ये चीज़। पावर सेट ऑफ कार्डिनलिटी, सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ ए। दिस इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ क्यू क्या होगा, 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ क्यू। तो ये जाएगा 2 to the power एल एफ नॉट, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ क्यू क्या थी, एल एफ नॉट थी, क्योंकि क्यू जो था वो काउंटेबल था। 2 to the power एल एफ नॉट काउंटिनम होता है, या कहें एल एफ वन होता है, और एल एफ वन जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नंबर होता है। दिस इम्प्लाइज पावर सेट ऑफ क्यू इज अनकाउंटेबल। ठीक है, तो कई सारे अभी तक हम लोगों ने सेट्स देख लिए हैं जो कि काउंटेबल हैं और अनकाउंटेबल हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अगर मैं यूनियन कर दूँ सेट ऑफ रैशनल नंबर से, और यूनियन कर दूँ सेट ऑफ इंटीजर से, तो ये जो यूनियन करने पर आएगा वो काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में कार्डिनलिटी भी बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।